अभी हम बात करेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम. क्या? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, ठीक है. अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो मैंने ऑलरेडी बोला हमारे पूरे बॉडी में एक वायरिंग बिछी है, एक जाल बिछी है, उसी का नाम है नर्वस सिस्टम. तो बच्चों नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. प्लीज यहां ध्यान दीजिए बच्चों, प्लीज यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए. बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. ध्यान दीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? देखो ना हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का सेंटर ईच है ना, है ना. देखो ना ये राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर. तो ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्व्स जो हमारे बॉडी के सेंटर में है ना, उसको बोलते हैं लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो उसके अंदर क्या क्या आता है बच्चों? उसके अंदर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन. क्या क्या आता है बेटा? हम लोग का ब्रेन है ना और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. हम जानते हैं बच्चों कि स्पाइनल, हमारा जो ब्रेन होता है, मान लीजिए ये ब्रेन है, तो ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड. जहाँ पे डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये ब्रेन है और ये जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो ये ब्रेन है, तो ब्रेन नॉर्मली यहाँ पे हमारा, और उससे एक पतला सा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, टिश्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. मैंने बताया भी है आपको कि स्पाइनल बोन के अंदर होता है, एक हड्डी होती है जिसको हम लोग वर्टिकल कॉलम या स्पाइनल बोन बोलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल बोन याद रखने का, स्पाइनल कॉर्ड हड्डी नहीं है बल्कि स्पाइनल बोन हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम हड्डी है, उसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं हड्डी को, वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल बोन. स्पाइनल कॉर्ड जो एक फ्लेशी ऑर्गन, एक टिश्यू है ना, जो बाद में जाके क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है. इस तरीके से इसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, है ना, टेल भी बोलते हैं. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बच्चों, ये ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है. तो हमने क्या देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ठीक है. तो एक स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन कहां पे, समझ में आया? ब्रेन, और ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. यहां पे दिख भी रहा है, ये ब्रेन है हमारा, और देखो ये स्पाइनल कॉर्ड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है. और पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या है हमारे, मान लो ये यहां पे इस तरीके से हाथ है, मान लो एग्जांपल के यहां पे पैर है, इस तरीके से बहुत सारे नर्व्स होंगे, बहुत सारे नर्व्स होंगे. और वो सारे के सारे नर्व्स कहां पे आके मिलते हैं? सारे के सारे नर्व्स, सारे की सारी वायरिंग आके मिलती है कहां? स्पाइनल कॉर्ड पे. याद रखिएगा, सारी वायरिंग स्पाइनल कॉर्ड पे आके मिलती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाती है? ब्रेन के पास जाती है. तो बेटा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, फिर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में. तो सबसे पहले समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. तो अगर मैं बात करूं ना बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, तो सबसे पहले समझो कि स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, है ना. स्ट्रक्चर तो अभी मैंने बता दिया, नॉर्मली इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से बना हुआ रहता है भाई, स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है इसका नॉर्मली, ठीक है. यहाँ पे ऐसा इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे नर्व्स रहते हैं, न्यूरॉन होते हैं ना. स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट कर देगा बेटा, जैसे गोल है ना, ऐसा गोल है ना, उसको ऐसा कट किया गया, ऐसा कट किया गया तो ऐसा दिखता है वो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, मैंने उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया है, अब वो है कि मैं बता रहा हूँ. तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. अभी देखो ना, मान लो कि कोई गर्म प्लेट है ना, कोई गर्म प्लेट है और उसको आप टच कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा? जैसे आप गर्म प्लेट को टच करोगे, वैसे तुरंत आप हाथ हटा लेते हो, इतना फास्ट ये काम होता है. सोचो ना, आपने टच किया, हटाया. तो क्या जब हम उसको टच करते हैं तो हमारे हाथ में क्या होता है? रिसेप्टर्स, है ना, सेंसरी ऑर्गन है हमारा स्किन, स्किन में है रिसेप्टर्स. वो रिसेप्टर्स उसको, उस मैसेज को लेते हैं, फिर उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ लेके जाते हैं? तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं बच्चों. तो मान लो कि ये हमारा रिसेप्टर है, है ना, जहाँ पर हमने टच किया उसको. मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ऐसा कि यहाँ पे स्टिमुलस, मतलब कोई भी चीज जो बाहर से एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है उसको बोलते हैं स्टिमुलस. मान लो ये गर्मी, हीट, यानी कि हमने उसे गर्म बर्तन को छुआ, है ना, हमने हॉट प्लेट को हमने टच किया, ठीक है. तो क्या होगा वो रिसेप्टर में, है ना, देखो हीट डिटेक्टर्स इन स्किन इन है, हमारे जो स्किन में क्या है, रिसेप्टर्स है जो क्या करते हैं बेटा, हीट को डिटेक्ट करते हैं, गर्मी को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना. थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते इसको? थर्मो रिसेप्टर्स, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, चाहिए तो थर्मो रिसेप्टर्स, वो क्या कर लेते हैं, उस हीट को डिटेक्ट करेंगे, है ना, और फिर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ पहुंचेगा? स्पाइनल कॉर्ड में.
तो यहां पे जो न्यूरॉन इस मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन। याद हो गया होगा, ऐसा न्यूरॉन जो सेंस कर ले, समझो ना, सिंपल है ना। तो उसको उसने क्या किया भाई, रिसेप्टर के जरिए, रिसेप्टर ने सेंस किया हीट को और वो जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद बेटा स्पाइनल कॉर्ड, मान लो यहां पे ऐसा मैं ब्रेन बना दे रहा हूं, मान लो एग्जांपल पे, ठीक है, यहां से ब्रेन से ऐसा कनेक्टेड है, ये ब्रेन है हमारा, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन आया यहाँ पे ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन ये मैसेज लेके आया, अब मान लो ये मैसेज फिर से कहाँ गया, ब्रेन के पास गया। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बेटा, सोचना जो है ना ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, मतलब इसको टाइम लगता है। मान लीजिए इस मैसेज, ये मैसेज जो है ना रिसेप्टर में आया है ना, चोट लगा यानी कि उसने गर्म चीज को छुआ, तो उसने क्या सेंस किया, गर्मी, हीट को सेंस किया। उस गर्मी को सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ भेजेगा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड में। वो स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को मान लीजिए ब्रेन में भेजेगा, फिर ब्रेन क्या करेगा, उसको इंटरप्रिट करेगा, सोचेगा है ना, सोचने के बाद डिसीजन लेगा, फिर उस डिसीजन को किसको भेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, किसको भेज देगा, मसल्स को, कि भैया हाथ हटा लीजिए है ना, वरना आपका हाथ जल जाएगा। ये मैसेज देगा किसके जरिए, वो आएगा मोटर न्यूरॉन के जरिए है ना। जो मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स में, क्या बोलते हैं उसको, मोटर न्यूरॉन। लेके जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन, लेके आने वाला मोटर न्यूरॉन। तो बेटा इस प्रोसेस को ना वक्त लग जाएगा और हाथ जल चुका होगा, क्योंकि अगर मैसेज ब्रेन तक जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब इतना टाइम लगेगा कि हाथ जल चुका होगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। लेकिन देखो अपन जैसे ही गर्म चीज पे हाथ रखते हैं, गर्म प्लेट पर तुरंत हाथ डाल देते हैं है ना, जल्दी जल्दी हमारा बच जाता है। तो इतना फास्ट कैसे होता है काम, इतना फास्ट स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन इन एनवायरमेंट है ना, तुरंत एक्शन हो जाना है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी देखो अभी आप डर गए होगे, अभी आप डर गए होगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक से आपको डरा दिया मैंने, ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना। अचानक से आप किसी चीज को उठाते हो तो डर जाते हो, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना। इतना फास्ट जो होता है 100 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 मीटर की रफ्तार से वो मूव करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स करंट, इतना फास्ट होता है वो। तो इसीलिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जाता है कि ब्रेन को टाइम लगेगा सोचने में। तो जैसे ही वो सेंसरी न्यूरॉन से आता है बच्चों, आने के बाद वो यहां ना जाके वो यहीं पे होता है रिले न्यूरॉन। क्या होता है बच्चा, रिले न्यूरॉन। मैंने बोला था रिले न्यूरॉन क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। रिले न्यूरॉन इसका काम होता है बैलेंस करने का, एम्पलीफाई करने का। अब इस मैसेज को ये बैलेंस कर देगा, एम्पलीफाई करेगा और फिर किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को, फिर फटाक से मसल्स के पास जाएगा। तो ये समझो कि ब्रेन जो है, ब्रेन वो डायरेक्टर है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैनेजर है, मैनेजर मैनेज करने के लिए इसको दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए ना, मान लीजिए अभी अचानक से कोई डिसीजन लेना है तो क्या मैं डायरेक्टर को फोन करूंगा कि मैनेजर तुरंत एक्शन लेगा, एग्जाम्पल तुरंत हैंडल करेगा। अब मान लो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने कोई इलीगल कंपनी खोल रखी है, कोई कंपनी है जो मतलब जिस जगह पे बनाया है वो जगह लीगल नहीं है, इलीगल है। अब अचानक से क्या हो गए, अतिक्रमण वाले जो तोड़ने वाले आते हैं ना, है ना, बुलडोजर लेके आते हैं भैया, पुलिस आएंगे बुलडोजर लेके, पूरी सेना आती है उनकी और बुलडोजर से तोड़ देती है, क्योंकि भाई सही बात है ना, लीगल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो अपना काम करेंगे। तो मान लो तोड़ने आई और वहाँ पे मैनेजर है, ठीक है, तो वो जो मैनेजर है तो वो क्या मैनेजर फोन लगाएगा डायरेक्टर को कि हाँ आप कब आ रहे हैं, जब तक डायरेक्टर साहब आएंगे तब तक वो पूरा टूट चुका होगा, मैनेजर खुद अपने तरीके से हैंडल करेगा। तो वही स्पाइनल कॉर्ड है, ये खुद हैंडल करता है और उस मैसेज को तुरंत रिस्पॉन्ड करके भेज देता है, जल्दी से हाथ हटा लो है ना। ऐसे देखो यहाँ पे फोटो देखो, फोटो दिख रहा है, फोटो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह जैसे ही उसको टच करता है वैसे ही वो हाथ हटाता है ना, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत फास्ट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। देखो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे स्टिमुलस है ना, कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंजेस, ठीक है, यानी कि हीट, गर्मी।
अब ये हीट या गर्मी को रिसेप्टर्स क्या करेगा बच्चों, तुरंत सेंस करेगा, है ना, रिसेप्टर्स सेंस करेगा गर्मी को, वो गर्मी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, वही बताया ना हमारे इसमें क्या है, रिसेप्टर्स, है ना। तो उस गर्मी को हीट डिटेक्टर्स इन स्किन इन हैंड, है ना, हीट को डिटेक्ट करने वाले क्या है, रिसेप्टर्स हैं, डिटेक्ट किया फिर सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के जरिए भेज देगा इफेक्टर, इफेक्टर मतलब होता है मसल्स ऑफ आर्म, इफेक्टर मतलब जरूरी नहीं है मसल्स, कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो मूव करने वाला है उसको बोलते हैं इफेक्टर, है ना, यानी कि जो रिस्पॉन्ड करने वाला है, कोई भी ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, किसके अकॉर्डिंगली, स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली, है ना, जो भी उसने सेंस किया है उसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्ड करता है, जो भी हमारा बॉडी का ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टर। तो यहाँ पे मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम तुरंत हाथ हटा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर। आया समझ में? तो ये जो है ना बेटा मसल्स तक जाता है, मान लो ऐसा ये मसल है, तो ये मसल्स तक आएगा और हमको हाथ, मान लीजिए गर्म चीज़ है ये ना, मारकर ये गर्म चीज़ है, मैं इसको टच कर रहा हूँ, ऐसे हटाया मैंने, देखो ऐसे हटाया मैंने, तो ये जो हटाया तो ये मूवमेंट कैसे होता है, तो यहाँ तक हमारे मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे रिस्पॉन्ड करेगा तो हमारे मसल्स में स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिससे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, मसल क्या करने लग जाते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन मूव करता है, और बोन मूव करेगा तो जैसे ही बोन मूव करेगा ये हट जाएगा, ऐसे ऐसे हट जाएगा। तो ये होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं, अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर इरेज करके थोड़ी सी और बात करते हैं। ओके ठीक है, तो अगर बच्चों अगर आपसे पूछेगा ना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो आप क्या करना, आप बोलना कि भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो वर्टेब्रल कॉलम से कवर्ड होता है। ठीक है, इट इज़ अ थिक पार्ट, आप बोलना थिक पार्ट है, लेकिन ये टर्मिनल में जाते ही, है ना, मतलब नीचे जाते ही जाते ही टेपर हो जाता है, थिक रहता है लेकिन इट टेपर्स, ठीक है, एट द लोअर एंड, है ना, एंड पे क्या होता है, ये टेपर होता है, और एंड में जो फाइबरस लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल, क्या, फाइलम टर्मी, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन एग्जाम में अगर आएगा तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना। तो अभी मैंने आपको बोला कि किस तरह मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, ब्रेन में नहीं जाती है, लेकिन बेटा ऐसे एक्चुअली रियल में ऐसा होता नहीं है। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, कंफ्यूज कर रहे हो, बेटा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से अगर सुनेंगे तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिसेप्टर है और वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन के जरिए एक्शन ले लिया और मसल्स को यानी कि इफेक्टर को दे दिया और मसल ने मूव कर लिया ताकि हम उस गर्मी से, उस जलने से बच जाए। ठीक है, लेकिन ये मैसेज ब्रेन को भी पहुँचता है। हाँ, ब्रेन जो है रिस्पॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब जो रिस्पॉन्ड किया तुरंत हाथ हटाया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मैसेज ब्रेन में नहीं जाता है। ब्रेन में मैसेज जाता है, इसलिए जाता है ताकि वो सेव हो जाए। मतलब एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो एक छोटा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि वो गर्म चीज़ है, गर्म बर्तन है, मैं जब उस पर हाथ रखूँगा तो जल जाएगा, उसको नहीं मालूम है। ठीक है, और वो जा रहा है उसको टच करने, है ना, आप क्या करोगे, मान लो मैं वहाँ पे हूँ और कोई बच्चा है जा रहा है गर्म बर्तन की तरफ उसको छूने के लिए, क्या करोगे आप, माँ क्या बोलेगी, नहीं मेरा बेटा है ना, माँ का तो यार दिल बहुत बड़ा होता है, अगर मैं रहूँगा तो मैं जाने दूंगा नहीं उसको, जब मतलब उसको नहीं बचाऊँगा। तो बोले क्या सर आप कैसे हो, मतलब वो बंदा, वो छोटा बच्चा जा रहा है गर्म बर्तन को छू लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा और आप उसको छोड़ रहे हो। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ। बोलोगे यार लगता है इसका सर फिट गया, पहले सुन तो ना मेरी बात, देखो उस अगर वो बच्चा जाएगा और जैसे ही वो टच करेगा वैसे ही उसका हाथ जल जाएगा, टच करेगा, ठीक है, टच करेगा तुरंत हटाएगा और हो सकता है उसका हाथ भी जल जाए। तो जब हाथ जलेगा टच करने के बाद तो वो मैसेज ब्रेन में सेव हो जाएगा कि भाई वो बर्तन गर्म है, यहाँ पे गर्म बर्तन होता है और वो बर्तन गर्म है, उसके पास नहीं जाने का, उसको नहीं टच करने का, टच करोगे तो जल जाएगा। तो वो मैसेज सेव होने के लिए वहां पे जाता है।
तो मैंने क्यों उस बच्चे को जाने दिया जानबूझकर, ताकि वो टच करे, दोबारा ये गलती ना करे। एक बार टच करेगा तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। दोबारा उसको ऐसा गोद में उठा के लेके चलो, चल चल उसको टच कर, टच कर उसको। बोलेगा नहीं टच कर, वो बोलेंगे नहीं 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 टच करना है। पहली बार में तो वो खुद, मान लो पहली बार में वो जा रहा है टच करने, अब कितना भी रोगे बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ, उसको पकड़ोगे वो और जाके टच करेगा। तो करने दो बेटा, जा बेटा जा, मरेगा मरेगा नहीं, मतलब जा बेटा, जब जलेगा तब पता चलेगा। अब जैसे वो बच्चा जाएगा टच करेगा ना, है ना, मम्मी रोएगा अभी। अब उसको जबरदस्ती दूसरी बार में लेके जाओ, चल अब टच करो। नहीं नहीं, अब वो खुद मना करेगा टच करने से। तो कैसे, क्यों मना करेगा? क्योंकि वो मैसेज ब्रेन में सेव हो चुका है, अब वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए ब्रेन में सेव होने के लिए मैसेज वो ब्रेन में भी जाता है। रिस्पॉन्ड जो है उस एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, लेकिन मैसेज ब्रेन में जाता है ताकि वो सेव हो जाए। क्लियर हुआ? तो सर क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही करता है? जी नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ब्रेन भी करता है, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा ना बच्चा। यस सर, रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेटा वो ब्रेन में भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स, सॉरी रिफ्लेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्स, है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन में हो रहा है। ब्रेन में हमारा सेरेब्रम एक पार्ट होता है, इसीलिए नाम ही उसका सेरेब्रल रिफ्लेक्स, ठीक। अब ब्रेन में से रिफ्लेक्स कैसे होता होगा? तो बेटा सेम तरीका, बस यहां पे स्पाइनल कॉर्ड की जगह क्या आ जाएगा? ब्रेन आ जाएगा। तो सर ऐसा क्या है? देखो, जैसे कुछ ऑर्गन्स डायरेक्टली, कुछ ऑर्गन्स में जो नर्व्स हैं उसके नर्व्स, उसके न्यूरॉन्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो बेटा यहां पे है। अब देखो आंख यहां पे है, तो क्या आंख से ऐसा घूम के स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा फिर ब्रेन के पास आएगा? नहीं। तो कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आंख की बात कर रहा हूं, आंख, तो आंख के न्यूरॉन्स, कान के न्यूरॉन्स, मुंह के टेस्ट वगैरह के जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे ब्रेन से, है ना। तो अब ये भी अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा फिर ब्रेन के पास जाएगा तो टाइम लग जाएगा। तो जो काम स्पाइनल कॉर्ड कर रहा था वही काम ब्रेन भी करेगा, इन द केस ऑफ जो भी हमारे हेड में जो भी चीजें हैं ऑर्गन, जब उसकी बात होगी तब। जैसे मान लो कि लाइट अगर ऑफ कर दूं, जैसे मैं लाइट ऑफ करता हूं तो मैं ऐसा देखूंगा, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, तो क्या मैं ऐसे देखूंगा? देखो लाइट जब ऑफ कर दो ऐसे देखते ऐसा, है ना, दिखता ही नहीं एकदम, आगे से करते, और जब लाइट आती है तो ऐसे करते हो। क्यों करते हो ऐसा? ताकि ज़्यादा लाइट आती है तो लाइट ज़्यादा इंटर करेगी, अब तो हमारा रेटिना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है हमारे आँख के अंदर, देखो काला, उस काले के अंदर एक आपको छेद दिख रहा है, छेद, उस छेद को बोलते हैं प्यूपिल, उस छेद को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल। तो उस छेद के जरिए लाइट अंदर जाती है, है ना, लाइट अंदर, क्योंकि उस छेद में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लाइट अंदर जाती है, इसीलिए वो छेद हमेशा ब्लैक ही दिखाई देता है। अगर किसी चीज़ पर लाइट टकरा के वापस आएगी ना तभी वो चीज़ दिखता है, वरना नहीं दिखता है, तो इसीलिए वो पूरा ब्लैक ही दिखता है। तो उस छेद के जरिए लाइट अंदर जाती है, लाइट अंदर जाती है ताकि लाइट अंदर जाएगी तभी आप चीज़ों को, जब तक लाइट आपके आँख के अंदर नहीं जाएगी तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं देख पाओगे। मान लो इसको देखना है तो इस पर लाइट टकराएगी, टकरा के मेरे आँख के अंदर जाएगी, फिर मैं देख पाऊंगा, वरना नहीं देख पाऊंगा। तो जब रोशनी ज़्यादा होती है तो लाइट अपने को उतना ही नहीं चाहिए रहता, अपने को कम चाहिए रहता, तो ज़्यादा आएगी तो भी दिक्कत है हमारे लिए, तो इसीलिए हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब हमारा जो आयरिस होता है वो बंद होने लगता है, ठीक है, प्यूपिल का साइज जो है ना, प्यूपिल का साइज वो हो जाता है छोटा, है ना। प्यूपिल देखो ये आँख है, ये देखो ऐसे देखो, दूसरा एग्जांपल ये देखो एक, तो जब रात में अंधेरा रहता है तो ऐसा हम आँख को ऐसा बड़ा कर लेते हैं, पीपल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि लाइट कहीं से भी आँख के अंदर आ जाए, और जब लाइट ज़्यादा आती है तो हम ऐसे कर लेते हैं, है ना, मतलब लाइट कम आए अंदर। तो इतना फास्ट ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये फास्ट जो काम हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो रहा है, वो ब्रेन भी रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है। तो मान लीजिए जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल, ठीक है, उसको लाइट मिल रहा है, इस प्यूपिल ने लाइट को सेंस किया, और यहाँ पे फिर से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ब्रेन तक पहुँचा। ब्रेन ने क्या किया बच्चों? ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन के जरिए, यहाँ पे क्या होगा बीच में, रिले न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस वो कहाँ भेज देगा? प्यूपिल के पास, कि भैया लाइट ज़्यादा है, साइज को छोटा कर लो, तो फिर उसका साइज छोटा हो जाएगा। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट, आ रहा है समझ में? तो ये हमारा मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ब्रेन भी दिखाता है, जो न्यूरॉन ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन उस ऑर्गन के लिए
किस ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से होगा। और जो हमारे बॉडी हाथ में पैर में बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हो रहा है ना, ये वाले में हेड को छोड़ के, तो वो किसके जरिए होता है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से, मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिस्पॉन्ड कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो स्पाइनल कॉर्ड को मैंने डिटेल में बता दिया, रिफ्लेक्सर को बता दिया। चलो अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, दैट इज ब्रेन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा दूसरा पार्ट है। इट इज द मेन पार्ट। जो हम सोचते हैं ना बेटा, ये सोचने की ताकत कहाँ है, इसी ब्रेन के अंदर है ना। देखो ना, कोई भी चीज पढ़ना, सोचना, लिखना, मान लो किसी चीज को हटाना, मूव करना, मूव योर हैंड, या कोई प्रोग्राम वाला, उस प्रोग्राम के लास्ट में क्लैपिंग करना, ताली बजाना, ये सब क्या है, ये सब एक डिसीजन है जो ब्रेन डिसीजन लेता है। ब्रेन को पता रहता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ये सारी चीजें। तो अभी हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ यही नहीं करता है, बल्कि ब्रेन के साथ मिलके हमारे बॉडी के सारी चीजों को कंट्रोल करता है। याद रखना, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल जाएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा हो जाएगा। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत सारे नर्व्स जुड़े होंगे, जो क्या होते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होते हैं वो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है। यानी कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या है बच्चा, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इन दोनों से क्या है भाई, जुड़ा हुआ है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। हमारे बॉडी के मान लो ये हाथ है, ये पैर है, है ना, ये हमारा ब्रेन है, है ना, और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिम्ब हो गया, या बॉडी के पूरे पार्ट में जो गया हुआ है नर्व्स, वही क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बाय द वे इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे अभी आगे। फिलहाल मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हमारा सेंसेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि हम जो सेंस कर रहे हैं ना, ऐसे आराम से, हाँ इसका स्मेल अच्छा है, हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, है ना, किसी चीज़ को देख ले रहे हैं, किसी चीज़ को सुन ले रहे हैं, है ना, ये सब का कंट्रोल ब्रेन के पास है। याद रखना, सारी चीज़ें, हियरिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, कन्वर्सेशन, थिंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस ब्रेन। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, आई थिंक एक्टिविटी 7.1 है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 115, एक्टिविटी 7.1। एक्टिविटी ये है कि अगर हम चीनी को खाते हैं, सुगर्स को खाते हैं, चीनी को, जैसे देखो मैंने ग्लूकोज ले रखा है, तो मान लो अभी मैं ये ग्लूकोज को खा रहा हूँ, मीठा टेस्ट एकदम मजा आ गया, ठीक है। तो इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, ठीक है। और आप इसको नाक बंद करके खाओ, चलो मैं करता हूं इसको, सवाल है क्या कुछ चेंजेस आएगा, नाक बंद करके टेस्ट किया मैंने तो क्या मीठा लगा या नहीं लगा, तो नाक बंद करने के बाद भी उसका टेस्ट स्वीट का स्वीट ही रहा। क्यों? क्योंकि नाक में जो चीज मैं खा रहा हूं, ठीक है, उसका टेस्ट हमारे टंग में है, और हमारे टंग में क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर, क्या, गस्टेटरी, जो टेस्ट को स्मेल करता है। तो मीठा है, टंग ने बताया और सिग्नल ब्रेन को पहुंचा दिया, तो नाक बंद किया तो भी सिग्नल पहुंच गया, और नाक खुला रहा तो भी सिग्नल पहुंच गया, तो मुझे उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पता चला। लेकिन अगर यही आप खाना खाओगे बेटा, कोई लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तो एट द टाइम आपके जो खाना होता है बेटा, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उस खाने में, सिर्फ टेस्ट, मतलब सिर्फ मीठा खट्टा टेस्ट ही नहीं, बल्कि उसके अंदर अलग टाइप के फ्रैग्रेंस होते हैं, अलग अलग के सेंस होते हैं ना, उसमें अलग अलग की खुशबू होती है, है ना, दूर से इन समझ आते हैं, ओहो आज तो बिरयानी बनी है, आज तो मटर पनीर बना है ना, खुशबू आ जाती है। तो उसका एसेंस ही जो रहता है इतना अच्छा रहता है कि हमको खाने में मजा आ जाता है। तो अगर यही आप खाने के साथ करो, नॉर्मल खाना खाओ, घर पे ही ट्राई करना बेटा ये एक्टिविटी, है ना, एक तो मैंने आपको करके बताया, एक आप खुद से करना, खाना खाना और एक और फिर खाना खाना, एक बाइट करना आप नॉर्मली, ऐसे खाना नॉर्मल, और एक बाइट जब खाना तो नाक को बंद कर लेना, आप दोनों में क्या फर्क लगेगा आप मुझे बताना। वैसे मैं इसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ यहीं पे, कि आप देखोगे बेटा कि जब आपने नाक बंद किया था तो उसका टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा खाने में, अजीब। क्यों? क्योंकि जब आपने नाक बंद किया तो जो भी स्मेल है, क्योंकि हमारे नोज में है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो जब हम नाक को बंद कर देते हैं तो हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जाम हो जाते हैं, वो सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और इसीलिए उसका जो खुशबू है, उसका फ्रैग्रेंस, उसका स्मेल ब्रेन तक नहीं पहुंचा, और वो खाने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसमें सिर्फ बेटा
टेस्टी नहीं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीठा खट्टा टेस्टी टेस्टी रहेगा, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रैग्रेंस होता है, उसका स्मेल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे मज़ा आता है। तो यही वजह होती है कि बुखार में या सर्दी जब होती है तो क्या होता है, हमारे नाक में म्यूकस भर जाता है, हमारे नाक में म्यूकस भर जाता है, बार बार देखो ना हम गंदगी निकालते हैं ना, लेटर निकालते हैं, तो वो नाक भर जाता है, तो उसकी वजह से वो जाम हो जाता है, सिग्नल पहुंच नहीं पाता है ब्रेन तक, और जब सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता तो उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता है, लगता है अजीब है, पता नहीं क्या खा रहा हूं, है ना, मन ही नहीं करता है खाने का। तो देखो ये ब्रेन है, अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें हम खो देंगे, हम जो इतने चाव से इतनी मीठी मीठी चीज़ या खट्टी खट्टी चीज़ खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, अलग से एक टेस्ट फील कर रहे हैं, स्मेल है ना, हर चीज़ इतना जो मज़ा कर रहे हैं ना, सारा मज़ा हो जाएगा ख़त्म। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ब्रेन की खास बात पता है आपको क्या है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन देखो ये राइट साइड का ब्रेन, ये मेरा ब्रेन है, ये खोपड़ी एक्चुअली इसके अंदर ब्रेन होता है ना, ये जो हमारा है स्कल, इसको बोलते हैं खोपड़ी, इसके अंदर ब्रेन होता है जहाँ पे बना हुआ है। तो ये राइट साइड वाला ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है। राइट साइड का जो ब्रेन है ना पूरे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। बोलोगे आई ये क्या, यही लेफ्ट साइड वाला पूरे राइट के बॉडी को कंट्रोल करता है। कभी आपने मूवी में देखा रहेगा या सुना रहेगा कि भाई उसको पैरालाइज हो गया है, वन साइडेड पैरालाइज। तो क्या होता है जब एक्सीडेंट की वजह से राइट साइड में चोट लग जाता है ब्रेन के, तो पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि ये राइट साइड का जो ब्रेन होता है हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, है ना, है ना मजे की बात। तो भैया ये मजे ब्रेन जो है ना वो है ही सरप्राइजिंग चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगी अरे भाई ये क्या है, अजीब और गरीब, क्योंकि ब्रेन तो भाई एकदम हमारे बॉडी का सीपीयू कंट्रोल यूनिट है, याद रखना। मतलब आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड हाईली इवॉल्व थिंग, यानी कि इस अर्थ पे सबसे मूल्यवान चीज अगर आप बोला जाए तो वो ब्रेन ही है, सबसे महंगी चीज, क्योंकि इसी ब्रेन की वजह से आज इंसान, हम ह्यूमंस बेस्ट क्रिएचर हैं, सबसे अच्छे क्रिएचर हम ही है, सबसे अच्छे स्पेसीज, इतने सारे स्पेसीज हैं, है ना, कुत्ता बंदर गधा अलग अलग फलाना ठिकाना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इंसान सबसे आगे है ना, क्योंकि इंसान के पास जो ब्रेन है ना उसकी बात ही जुदा है, बात ही अलग है। तो इस ब्रेन की वजह से इंसान आज सबसे आगे, क्योंकि ये ब्रेन जो है ना इसके अंदर हम थिंकिंग, कन्वर्सेशन, टॉकिंग, राइटिंग, हर चीज का कंट्रोल इसके पास है भैया। अगर मैं बात करूं ना आपके लेफ्ट साइड ब्रेन की, तो लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल करता है राइटिंग को, लिख जो है ना लिख रहा हूं उस पर, लिखने का भी कंट्रोल है लेफ्ट साइड पे, अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे। कन्वर्सेशन जो बोल पा रहे हैं ना, देखो ना कुछ लोग पैरालाइज जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं पैरालाइज में, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल लेफ्ट साइड का ब्रेन करता है, कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है, हम क्या स्पीच दे रहे हैं इसको कंट्रोल करता है, लॉजिकल थिंकिंग है ना, हम जो लॉजिक लगाते हैं सोचते हैं है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन। क्या क्या, राइटिंग, स्पीच, लॉजिकल थिंकिंग, कन्वर्सेशन, बातचीत जो हम कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूं आपके साथ, पूरा कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन के पास है, याद रखना। और राइट ब्रेन क्या करता है बच्चों, राइट ब्रेन जो है ना आर्टिस्टिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सर ये क्या बोले, मार्कर ले लूं, ये क्या बोले सर, आर्टिस्टिक, मतलब आर्टिस्ट वाली जो भी एबिलिटी होती है ना वो हमारा राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग है ना, या मान लो तुरंत आपके पास बहुत अलग 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 एबिलिटी होती है यार, कुछ भी आप क्या है मन में ही आप इमेजिनेशन करके सॉल्व कर देते हो किसी चीज को, किसी पजल को सॉल्व कर देते हो, है ना, तो ये जो भी आपके अंदर कला है, आप ऐसे बोलते हो कला, तो जो भी कला होता है ना हमारे पास वो राइट साइड की बॉडी कंट्रोल करता है ना, जैसे ये जो डायग्राम बनाया है ये भी एक आर्ट है ना, कला है, बोलोगे सर आप तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगा यार इसको बनाने में, है कि नहीं, मेरी ड्राइंग अच्छी है नहीं तो इसलिए मैं पहले से अच्छे से टाइम लेके बना देता हूं, अगर लेक्चर में बनाते बैठूंगा ना तो लेक्चर ही खत्म भाई, तुम पहले ही भाग जाओगे बाय द वे। तो समझ में आया क्या क्या भाई, कि लेफ्ट साइड की जो बॉडी होती है वो हमारे स्पीच को, कन्वर्सेशन को, लॉजिकल थिंकिंग को, है ना, राइटिंग को कंट्रोल करता है, और अगर हम बात करें राइट साइड की तो जो भी आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं उनको कंट्रोल करता है कौन सा, राइट साइड का ब्रेन, ठीक है। और अगर ब्रेन की अगर मैं बात करूँ ना बच्चा, तो ये जो ब्रेन है इसको मेन तीन पार्ट में बांट दिया गया है, ये ब्रेन का बेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे हेड के स्कल के अंदर रहता है, उसको क्या किया गया, ऐसे कट किया गया है ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि है क्या, है ना, जैसे ये ब्रेन है ना ऐसा गोल सा, तो बीच से ऐसा काट दिया गया है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है, ताकि हम समझ जाएं कि अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो ब्रेन के मेनली बेटा तीन पार्ट है, क्या है मेनली इसके तीन पार्ट है, कौन कौन से, तो फोर ब्रेन, बोलो मेरे साथ फोर ब्रेन,
फोर ब्रेन, बोलो ना बेटा, मिड ब्रेन, बहुत बढ़िया, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन बोलो या हाइंड ब्रेन बोलो। तो बेटा ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बोलिए मेरे साथ कि ब्रेन के सर मेजर तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये पूरा फोर ब्रेन है। अगर मैं बात करूं फोर ब्रेन की बेटा, तो 85% जो है ना, 85% एरिया जो होता है ना वो पूरा पूरा, या बोल सकते हो मास जो होता है ना वो पूरा पूरा फोर ब्रेन का होता है। बाकी के 25% मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंस्टिट्यूट करते हैं। 85% जो है ना पूरा पूरा क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना सेरेब्रम, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट फोर ब्रेन का है। और ये जो आपको बीच में मैंने देखो यहाँ पे ऐसे ब्लू ब्लू डॉट अंदर डाल दिया है जानबूझकर, ताकि ये बताने के लिए कि ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है ना ये हाइंड ब्रेन है, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे मैं कट कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी है वो फोर ब्रेन, इसके नीचे जो भी है चाहे वो सेरेब्रम हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, मेडुला हो, पॉन्स हो, ये सब है हाइंड ब्रेन, और ये बीच वाला मिड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन क्या कर रहा है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रख रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक। सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि भैया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में बेटा तीन पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अब आपके सिलेबस में इतना तो नहीं है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लेकिन बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लो, और क्या, सेरेब्रम के बारे में लेकिन जानना है। तो फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट, बोलो मेरे साथ कौन कौन सा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या क्या, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, किसके पार्ट है बेटा, फोर ब्रेन के ये तीन पार्ट है। अच्छा, तो ये जो पार्ट है ना बड़ा सा पार्ट, ये है सेरेब्रम। और अगर मैं सेरेब्रम की बात करूं तो सेरेब्रम जो होता है हमारा वो आप बोल सकते हो कि फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, हमारा सेरेब्रम, ठीक। और ये सेरेब्रम ना बेटा दो स्फीयर से बना है। जैसे अगर आप टॉप से देखोगे सेरेब्रम को, है ना, ये जो हमारा फ्रंट वाला है देखोगे तो आपको देखेगा कि दो दो हेमी स्फीयर से मिलकर बना है वो, दो आधे गोले से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रल हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमी स्फीयर, बोलो मेरे साथ बेटा, सेरेब्रल हेमी स्फीयर, ठीक है। दो सेरेब्रल हेमी स्फीयर होते हैं और ये दोनों जुड़े होते हैं बेटा टफ फाइबर से, है ना, जो फाइबर से जुड़े होते हैं वो काफी टफ होते हैं, एंड नर्व ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक्ट, है ना, नर्व से और फाइबर से ये जुड़े होते हैं दोनों, सेरेब्रल हेमी स्फीयर, याद रहेगा। यस सर, फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है और इसमें दो हेमी स्फीयर है, है ना, दो स्फीयर, दो आधे आधे स्फीयर से बना है, दो अर्ध गोले से बना है, जिसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमी स्फीयर, जो कनेक्टेड है फाइबर और नर्व से, ठीक है। अब ये सेरेब्रम का काम क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम, याद रखना, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है वो करता है फोर ब्रेन। ऐसे याद रखो आप कि ये जो बेटा सेरेब्रम है किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, और फोर ब्रेन जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट हैं या वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या, जिस पे हमारा कंट्रोल हो उसको कौन करता है, सेरेब्रम। यानी कि फोर ब्रेन जो होता है हमारा, आगे का जो ब्रेन होता है हमारा वही कंट्रोल करता है। जैसे मान लो ऐसे मूव करना, ये मेरे कंट्रोल में है, है ना, इसको मूव करना, आँख को ऐसे मूव करना, ऐसे मूव करना, है ना, चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, ये सब क्या है, मेरे कंट्रोल में, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शंस। कुछ होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट का बीट होना, मैं बोलूँगा एक मिनट, दो मिनट दिल धड़कना छोड़ दे भाई, छोड़ सकता है क्या, नहीं, ये हमारे वश में नहीं है। सांस लेना ये अपने आप होता रहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो मरमरा जाओगे, है कि बिल्कुल मत कोशिश करना। वरना कुछ लोग बोलेंगे सर हम सांस को रोक सकते हैं, स्वर्ग से धार जाओगे कोशिश भी किए तो। और जो हमारा दिल धड़कता है ना, हार्ट बीट, है ना, वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, को कोई रोक नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, क्या है वो, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इस तरह के एक्शन को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन और साथ में हाइंड ब्रेन, ये दोनों क्या करते हैं ना बेटा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, किसको, इनवॉलेंट्री एक्शन को, इनवॉलेंट्री एक्शन को, याद रहेगा। क्या, फोर ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल हो उसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा, फोर ब्रेन वाला हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसा एक्शन जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो उसको कंट्रोल में रखता है, है ना। देखो ना, कभी ऐसा होता है कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़, ब्लड प्रेशर बोल रहा हूं, अपना हार्ट बीट बढ़ जाता है, है ना, ऐसे ही, मतलब वो तो बीमारी जब होती है तो भैया बहुत कुछ होता है, ऐसे ही नॉर्मल कभी होता है क्या अपने आप,
इसका मन करता है क्या कभी ज़्यादा हो जाने का, कभी कम हो जाने का? नहीं। कभी डाइजेशन अपने आप रुक जाता है क्या, बिगड़ जाता है क्या? नहीं। सारी चीज़ें अपने आप हमारी बॉडी के अंदर सब हो रहा है, अपने आप कंट्रोल में हो रहा है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने आप होता रहता है, है ना? वो कौन करता है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, याद रहेगा? यस। तो वॉलेंट्री मूवमेंट जो करता ही है बेटा, जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना, बात करना, ये सब पे कंट्रोल है, इसको तो कंट्रोल करता ही है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन, आपके कॉन्सेंट्रेशन पे भी उसका कंट्रोल है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है कि नहीं लेक्चर पे, या इधर उधर इधर देख रहे हो, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी कंट्रोल किसका है? फोर ब्रेन का, सेरेब्रम, याद रखना, सेरेब्रम। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, जो किसको कंट्रोल करता है? हमारे कॉन्सेंट्रेशन को, कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे। इसके अलावा बेटा क्रिएटिव आइडियाज, प्लानिंग, जो भी क्रिएटिव आइडियाज है ना, क्रिएटिविटी करते हैं हम, आज ऐसा करेंगे, है ना? क्रिएटिविटी किस चीज़ में? किसी को मारने का प्लान या किसी चोरी करने का प्लान, ये फालतू कामों की क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ें कोई चीज़ क्रिएटिविटी करना आपको, है ना? जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हाँ आज हम इस पेपर का इस्तेमाल करके आज ये बनाएंगे, आज हम ये बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, है ना? तो ये जो क्रिएटिव आइडियाज जो आते हैं, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा फोर ब्रेन। डिसीजन जो हम लेते हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। प्लानिंग जो हम प्लान करते हैं, जैसे मैं प्लान किया रहूंगा ना कि नहीं यार आज मुझे शूट करना है इतने बजे, है ना? तो ये प्लान फोर ब्रेन का कंट्रोल है। इसके अलावा मेमोरी, है ना, आपकी जो मेमोरी है ना, याद रखना बच्चों, ब्रेन जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड है, सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड, एक ऐसा मेमोरी कार्ड जिसके अंदर इनफाइनाइट डेटा डाल सकते हो आप, है ना? कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ तो उसका यूनिट बनाए हैं पेटाबाइट, पीबी, आई थिंक 5 PB या 6 PB लोग बोलते हैं कि 5 PB इसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना? बहुत बड़ी यूनिट है ये, जैसे गीगाबाइट, है ना, मेगाबाइट, है ना, उसी तरह बोलते हैं ना 1 GB, 2 GB, 1 MB, 2 MB, है ना, 1 TB, 1 TB, उसी तरह है पेटाबाइट भी है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 5 PB या 6 PB इसकी कैपेसिटी है, जो बहुत बड़ी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। मैं तो ये बोलूँगा भैया, ये ऐसा हमारा ब्रेन है जो इनफाइनाइट चीज़ों को स्टोर कर सकता है, सच भी है, मतलब ऐसे फेंकी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सच सच बता रहा हूँ। मारकर ना गिरे लेक्चर में, तो लेक्चर ही कंप्लीट ना हो, बाय द वे सुनो, सच बता रहा हूँ बेटा, जो ब्रेन है ना हमारा इनफाइनाइट डेटा स्टोर कर सकता है। इसीलिए ना आपको पता होना चाहिए कि इंसान का दिमाग जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि एक उम्र के बाद रुक जाता है, यार इंसान का दिमाग ना डेवलप होता रहता है। आदमी बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, आदमी का ब्रेन बूढ़ा नहीं होता है, ब्रेन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया स्टोर कर सकता है। जब तक आप जिंदा हो तभी तो, देखो ना, आपने सुना होगा, नहीं यार ये कोई भी अगर सलाह लो, एडवाइस लो, तो बड़े बूढ़ों से लो, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ज़्यादा दिन रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा चीज़ें, अगर ज़्यादा दिन रहे हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने देखे हैं, तो उनको पता चल गया है, वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, प्लान अच्छे से कर सकते हैं, तो हम उनसे आइडियाज़ लेते हैं, और ये बात सही भी है। अभी मेरे पढ़ाने का अभी जो एक्सपीरियंस है और मेरे पढ़ाने का पाँच साल पहले जो एक्सपीरियंस था, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, है कि नहीं? बहुत फर्क है, बहुत चेंजेस है, और आने वाले वक्त में मैं और पढ़ाता रहूं तो 5 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, याद रखना। जो चीज हम खुद करते हैं ना, वो चीज हमको ज्यादा याद रहता है, वो भूलते नहीं है, लेकिन जो चीज हम वीडियो में देखते हैं वो चीज कम याद रहता है, और जो चीज बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं वो सबसे कम याद रहता है। मतलब आप इसीलिए जो आप पढ़ते हो, रीड करते हो, तुरंत भूल जाते हो, है कि नहीं? लेकिन याद रखना, रीडिंग जो है ना, ये फैक्ट है, याद रखना, रीडिंग से आदमी का ब्रेन तेज होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो ना, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, पता है उनके पीछे का सीक्रेट क्या है? सब बुक्स की स्टडी करते थे, बहुत ज़्यादा बुक की स्टडी करते थे। तो जितना ज़्यादा आप बुक की स्टडी करेंगे ना बेटा, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, सोचने की ताकत बढ़ेगी, करने की, उसको रिस्पॉन्ड करने की ताकत बढ़ेगी, और आप कुछ नया कर जाओगे। देखो ऐसी ब्रेन की वजह से आइंस्टीन आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, न्यूटन, या देखो ना बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैक्सवेल, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ये सब। तो ये ब्रेन डेवलप होता जाता है। आपने नोटिस किया रहेगा, सब एक बड़ी उम्र के बाद साइंटिस्ट बने हैं, मतलब वक्त लगता है ब्रेन को डेवलप होने में, धीरे धीरे ब्रेन हमारा डेवलप होता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें इनफाइनाइट डेटा स्टोर कर सकते हो। तो मेरे बच्चों,
खूब पढ़ा करो और डेली कुछ ना कुछ पढ़ा करो, आप याद रखना, और खासकर वो चीज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया करो। प्रैक्टिकल करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। हमारे ब्रेन के अंदर ना आपको दिख रहा है जो डायग्राम जो बना हुआ है इस तरीके से, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं फोल्डिंग। ये जितनी ज़्यादा जिसमें फोल्डिंग होती है ना, बेटा उतना ज़्यादा वो आदमी इंटेलिजेंट होता है, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होती है, ये खास बात है। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, मतलब उसके ब्रेन में ज़्यादा फोल्डिंग है, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्वोल्यूशंस भी बोलते हैं, है ना, फोल्डिंग को कॉन्वोल्यूशंस भी बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि भाई मेमोरी हमारा, मेमोरी। और एक चीज मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं, जो ब्रेन होता है ना बेटा हमारा, वो ब्रेन हमारा 1400 ग्राम का होता है, 1400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली एडल्ट के लिए, यानी कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका जो है ना एवरेज ब्रेन का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम, यानी कि लगभग 1.5 किलो। ये मेल का होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना, तो फीमेल का ब्रेन का वेट होता है 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। अब आप बोलोगे सर क्या इसीलिए जो लड़कियां होती हैं उनको दिमाग कम होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है बाबू, है ना, और ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों को दिमाग कम होता है, है ना। दिमाग डिपेंड करता है फोल्डिंग पे, वजन कम होने पे डिपेंड नहीं करता है। ये अलग बात है कि फीमेल जो होती है उनके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं सबके ऑर्गन्स का वेट कम है, ये अलग बात है। इसलिए थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेंथ मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, है ना। बाय द वे, तो ये मत सोचना कि भैया जो फीमेल होती हैं उनमें जो वजन होता है ब्रेन का वो कम होता है इसलिए उनके पास कम ब्रेन होगा, बिल्कुल नहीं, फोल्डिंग की वजह से। ऐसा अगर देखा जाए तो न्यूटन का ब्रेन का वेट तो कम था, है कि नहीं, आइंस्टीन का भी कम था, मेरे ख्याल से 1300 के आसपास था उनका, है ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, जस्ट बता रहा हूँ अप्रॉक्स। तो ये समझ में आया क्या बोला मैंने? बेटा जितनी ज़्यादा फोल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा बंदा इंटेलिजेंट होता है, याद रखिएगा। तो सर क्या इस फोल्डिंग को हम बढ़ा सकते हैं क्या? हो सकता है, मन में चल रहा होगा, बिल्कुल बढ़ सकता है। फोल्डिंग एग्जैक्टली फोल्डिंग तो नहीं आएगी, लेकिन उसका पावर बढ़ सकता है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करो। मजाक ये नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, आपको क्या लग रहा है स्टडी करने के लिए ऐसा बोल रहे? नहीं, सच बता रहा हूँ, आप जाके पता करो, सर्च मारो कि जितना ज़्यादा आप बुक को स्टडी करते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, टाइम पास करते हैं फालतू, उससे बेहतर है बुक लेके बैठ जाओ। बुक लेके बैठोगे ना तो इमेजिनेशन करने की पावर बढ़ेगी, और बुक स्टडी करोगे ना तो मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग तुम्हारा आखिरी हो जाएगा यार। खैर, ये समझ में आया। तो भैया मेमोरी, दुनिया का इन्फाइनाइट मेमोरी, वो कौन कंट्रोल करता है? वो भी हमारा सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम के एरिया में ही क्या है, मेमोरी का पार्ट है। ये जो हमारा पूरा एरिया है ना, ये ब्रेन है ना, ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं, फंक्शनल एरिया है ना, जैसे कुछ मोटर एरिया, कुछ सेंसरी एरिया, ऐसे नाम है, है ना। कहीं पे मूवमेंट कराने के लिए तो उसका एक अलग एरिया है, उसको मोटर एरिया बोलते हैं, जो हम सेंस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन से, फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए एक अलग एरिया। ये नहीं कि कोई भी मैसेज गया, मान लो आपको स्मेल करना है कोई चीज़, तो वहाँ पे कोई खाना आया, कोई फूड आया जो आपका फेवरेट है, और उसको आप स्मेल कर रहे हो, तो ये नहीं कि वो स्मेल आपके नाक से डायरेक्ट ब्रेन में कहीं पे भी चला गया और फिर आपको पता चला हाँ ये तो मटर पनीर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फिक्स एरिया पे जाता है और उस एरिया को सेंसरी एरिया बोलते हैं। अलग अलग एरिया है बेटा, अभी आपको सिलेबस में है नहीं, से ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इतना ध्यान में रखो कि ब्रेन में अलग अलग एरिया है, है ना, अलग अलग एरिया हैं, ताकि अलग अलग चीज़ें जब आए, अलग अलग तरह का मैसेज आए, तो उसको उसके हिसाब से वहाँ पे इंटरप्रेट किया जाए और फिर उसको सिग्नल भेजा जाए कि हाँ, चाहे उसको स्मेल का हो, सुनने का हो, देखने का, जो भी हो, अकॉर्डिंगली। आया समझ में? यस सर। इसके अलावा इंटेलिजेंस, अभी मैंने इंटेलिजेंस की तो बात अच्छे से कर दी आपको, है ना, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेरेब्रम, फोर ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट। एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, और या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है ना, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भी कंट्रोल कर रहा है हमारा सेरेब्रम। देखो सेरेब्रम कितना, यानी कि फोर ब्रेन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ सेरेब्रम ये सारी चीजें कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा टेस्ट, है ना, टेस्ट, है ना, किसी भी चीज़ का टेस्ट, वो भी फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रम। राइटिंग, है ना, लिखना, दर्द अगर हमको हो रहा है वो भी वही फील करवाता है। टच, प्रेशर, इसके अलावा लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेज है, है ना, उसको भी कंट्रोल करता है भाई, कि जो बात कर रहा है कौन से लैंग्वेज में, किससे बात कर रहा है ना। देखो ना कितना हमारे पास डिसिप्लिन रहता है, है ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे बात कर रहा हूँ, घर पर बात करूँगा तो कैसे बात करूँगा, या आप ही दोस्तों के सामने क्या बे क्या बोल रहा, सर के सामने सर आप कैसे, तुरंत आपका चेंज होता है ना, टोन चेंज हो जाता है। पेरेंट्स से बात करने में टोन चेंज, फ्रेंड से बात करने में टोन चेंज, इस लैंग्वेज का तालमेल कितना अच्छा है यार, सब फोर ब्रेन की वजह से है मेरे बच्चों, है कि नहीं। इसके अलावा हियरिंग, वही सुनना, स्मेल,
इसके अलावा विजन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको डाइएन्सेफेलॉन भी बोलते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस ये थर्मोरेगुलेशन करता है, यानी कि कितना गर्म कितना ठंडा, है ना, कोई भी चीज़ गर्म लगता है ठंडा लगता है उसको कंट्रोल करता है ये, कौन हमारा हाइपोथैलेमस। बिहेवियर एंड इमोशन, बिहेवियर एंड इमोशन, देखो ना, मान लो कोई मर गया या कोई मुसीबत आ गई, कोई क्राइसिस आ गया, तो आप क्या करते हो, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, रोने लगते हो। कुछ लोग देखो आपको बोलते भी, अरे रो भाई रो रो, कुछ लोग बोलते हैं रो रो के दिल हल्का हो जाएगा, बोलते ना रो लिया करेगा दिल हल्का हो जाएगा, और सही बात है, रोना चाहिए। इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अगर आप ज़्यादा नहीं रोते हो ना तो आपका हाइपोथैलेमस खराब हो सकता है, और हाइपोथैलेमस खराब होगा तो डायरेक्ट मौत, डायरेक्ट मर जाओगे, है ना। तो जो लोग लड़कियां खासकर ज़्यादा इमोशनल होती है, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती है, उनका हाइपोथैलेमस आप बोल सकते हो कि बहुत स्ट्रांग होता है। बॉय जो होते हैं ना बहुत कम इमोशन होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम रोते हैं, लेकिन जो बराबर इमोशनल हो जाते हैं रोते हैं उनका हाइपोथैलेमस अच्छा रहता है, है ना। तो बेहतर होता है कि अपने जो अंदर जो भी पेन है, आपको दर्द है, उसको क्या कर दो, निकाल दो, ठीक है, समझ में आया, उसको क्या कर दो, निकाल दो। और एक चीज़ मुझे एक चीज़ याद आ गई तो मैं बता देता हूँ, जो पेन होता है, मान लो अगर किसी ने आपको धोखा दिया, इंसानों ने, किसी दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, तो वो जो धोखा देता है ना, वो एक वो पेन वो दर्द जो होता है ना, वो ऐसा होता है ना कि वो हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है, और इस तरह सेव होता है कि आदमी ना फिर किसी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता है। अगर एक बंदा किसी, मान लो किसी पे ट्रस्ट किया उसने, दोबारा कभी भी जिंदगी में किसी भी बंदे पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा, याद रखना, ये खास बात होती है हमारे ब्रेन की। वो आपको लगेगा कि आप ट्रस्ट करो, लेकिन आप कभी ट्रस्ट नहीं करोगे, एक बार ट्रस्ट टूट गया ना तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे, ये फैक्ट है, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो बिहेवियर एंड इमोशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ग्रोथ, ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, मतलब उस सेल को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, धीरे 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 एक डिसिप्लिन मैनर में, तब जाके वो क्या कर धीरे धीरे ग्रोथ करता है। देखो ना ये उंगली पहले बहुत छोटी रही होगी, फिर धीरे धीरे बड़ी होगी, ऐसा नहीं हुआ कि ये उंगली यहाँ की उंगली यहाँ पे निकल गई, या नाक जो है ना यहाँ पे आ गया, आँख जो है वो यहाँ आ गया, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं हो रहा है। तो इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ का ग्रोथ होना, तो उसको वो एक स्लो प्रोसेस है, वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है हमको, एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन यानी कि वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन, तो उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, अभी देखो अपने आप रात होती ही नींद आ जाती है, सुबह होता है अपने आप उठ जाते हो, अरे भैया क्लॉक सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर, है ना, हाइपोथैलेमस है ना, क्लॉक सिस्टम है, उसको मालूम है कब सोने का है कब जागने का है, अपने आप नींद आ जाती है, तो सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा फीलिंग पेन, दर्द आपको महसूस होता है, हंगर, आपको भूख लगता है ना, बहुत भूख लगी है, या पेट भर जाता है आपको, फुलफिल लगता है, या प्यास लगता है आपको, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और अगर थैलेमस की बात करूँ ना, तो थैलेमस क्या करता है बेटा, एक रिले स्टेशन है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर थैलेमस एक ऐसा पार्ट है, कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी मैसेज हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर मैसेज आ रहा है और ब्रेन तक जा रहा है, तो उसको थैलेमस से गुजरना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिले स्टेशन, इंटर स्टेशन, इंटरमीडिएट, इससे गुजर के ही जाना होगा उसको ब्रेन पे, किसी भी एरिया में, मान लो ब्रेन के इस एरिया में सेंसेशन का काम है कि देखना है, है ना, या सुनना है, कोई बोल रहा है तो सुनना है, किसी ने बोला, अब वो मैसेज आपके कान में गया, ठीक है, कान में क्या है हमारे, कान में रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के बाद न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या गया, उस मैसेज को लेके गया इस एरिया पे, तो इस एरिया पे जाएगा तो उसको एक थैलेमस एरिया है, वहां से उसको जाना पड़ेगा, याद रखना थैलेमस होके गुजरना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर वो इंटरप्रेट करेगा, फिर थैलेमस होके आएगा, तो एक ऐसा एरिया जहां से जाना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिले स्टेशन। तो इसका बस यही काम है कि दोनों को इंटरकनेक्ट करके रखता है, वैसे और भी कुछ काम है, और भी जैसे स्लीप को कंट्रोल करता है, वेकफुलनेस जो आप उठ जाते हैं उसको कंट्रोल करता है ना, लर्निंग एंड मेमोरी को भी ये कंट्रोल करता है, लेकिन मेन कंट्रोल जो कंट्रोलिंग है जो मेमोरी की वो इसके पास है, लर्निंग की वो मेन इसके पास है, ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का तीन पार्ट, तो देखो ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, ठीक है, क्लियर हुआ सबको, तो क्लियर हो गया, फोर ब्रेन में तीन पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, हाँ एक चीज बता दूं यार, 66% जो है ना वो एरिया जो है ना वो कौन लेता है, सेरेब्रम, ब्रेन का 66% एरिया किसके पास होता है, सेरेब्रम, यानी कि आप बोल सकते हैं 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन,
इसलिए लार्जेस्ट पार्ट है ना, सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, एक चीज और बता दूं इसी के साथ, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा फोल्डिंग, इस तरीके से, इस तरीके से फोल्डिंग होता है, तो ये जो है ना उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं गायरी। क्या बोलते हैं? गायरी, गायरी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ऐसा धसा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस। इसका एक और नाम है रिजेस, इसको बोलते हैं हम लोग रिजेस, रिजेस। तो ये इरेगुलर रिजेस दिखेंगे आपको, ये ब्रेन में इरेगुलर रिजेस है ना, इरेगुलर रिजेस एंड ये ग्रुप्स, इसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब क्या? धंसा हुआ। तो ये पार्ट जो ये ग्रुप है, ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम है सल्कस, और ये जो रिजेस है, रिजेस उभरा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं गायरी, गायरी। तो जितना ज़्यादा हमारी हमारे ब्रेन में ये क्या बोलते हैं बेटा, रिजेस, और जितना ज़्यादा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा हमारे ब्रेन में वही फोल्डिंग होगी, जिसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन होगा, सरफेस एरिया इससे बढ़ता है बेटा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आएंगे तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। तो जिसका, इसलिए मैंने बोला कि मेमोरी पावर उसकी बढ़ जाती है, किसकी? जिसमें ज़्यादा रिजेस और ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। खैर, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फोर ब्रेन, जहाँ पे हमने देखा सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करके हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो बच्चों अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की। मिड ब्रेन की बात करूँ ना बेटा, तो मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है ब्रेन का, और इसका मेन काम क्या होता है ना, ये हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है फोर ब्रेन से। जो मिड ब्रेन है ये क्या करता है बेटा? कनेक्ट करके रखता है, इसका काम है मेन कनेक्शन का। इसके अलावा और भी कुछ काम है, जैसे लिम्ब मसल के मूवमेंट को, जो हमारा लिम्ब है, लिम्ब मतलब ये फोर लिम्ब यानी कि हाथ, और ये पैर आ रहा है क्या ऊपर तक, ये क्या हो गया हमारा? हैंड लिम्ब। तो पैर हाथ का जो मूवमेंट होता है उस पर किसका कंट्रोल है? मिड ब्रेन का। इसके अलावा विजन में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किसका है? मिड ब्रेन का। विजन में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किसका, यानी कि देखने में भी किसका कंट्रोल है? थोड़ा बहुत मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन का ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में इतना भी ये भी नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ सेरेबेलम के बारे में उन्होंने दिया है। बस मैंने आपको बता दिया कि भाई मिड ब्रेन जो होता है वो छोटा होता है, और ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और लिम्ब मसल का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, और विजन को। अगर हाइंड ब्रेन की बात करूँ बच्चों, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं बेटा, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुल्ला ऑब्लंगाटा। क्या क्या क्या? पॉन्स, इसका पूरा नाम है पॉन्स वैरोली, लिखना है पॉन्स वैरोली, इधर लिख देता हूँ पॉन्स वैरोली। मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा। तो जो पॉन्स है इसका काम होता है ब्रीदिंग के एक्शन को कंट्रोल करना। देखो ना, हम ऐसा हुआ है क्या कभी कभी ऐसा, और कभी ऐसा हुआ है क्या, कुछ आराम से अपने आप हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो ब्रीदिंग के एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? पॉन्स वैरोली। यानी कि आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स द ब्रीदिंग एक्शन। हाइंड ब्रेन में कौन? पॉन्स। और उसमें सेरेबेलम, सेरेबेलम इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट विच इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम, कन्फ्यूज मत होना, सेरेब्रम सेरेबेलम, सेरेब्रम सेरेबेलम, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सेरेबेलम, ठीक। तो सेरेबेलम जो होता है ना बेटा, ये हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का कोई भी बैलेंस हो, कोई भी बैलेंस को कंट्रोल करता है। जैसे सीधा ऐसे खड़ा हूँ मैं, पोस्चर मेरा एकदम बैलेंस है, इसको कंट्रोल करना। या हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हर चीज़ का बैलेंस, उसको बैलेंस करके कौन रखता है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का काम है याद रखना बैलेंसिंग का, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ क्या? वॉलेंट्री मूवमेंट्स। याद रखिएगा कि देखो कितना बड़ा बड़ा काम है हमारे हिंड ब्रेन का। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी को भी हाइंड ब्रेन की तरफ ऐसा दौड़ से मत मारा करो, क्योंकि अगर उसका ये डैमेज हो गया ना तो वो आदमी सीधे मर जाएगा। क्योंकि देखो ना, मेन फंक्शन है ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा वॉलेंट्री मूवमेंट, देखो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा था? फोर ब्रेन। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, कंट्रोल तो वो कर रहा था लेकिन कोऑर्डिनेट, तालमेल है ना, तालमेल जो बना रहा है वो कौन बनाता है? सेरेबेलम। इसके अलावा मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर अपने आप देखो कंट्रोल में है अपने आप, सेलिवेशन कितना लार निकलना चाहिए मुंह से, खाना खा रहे हो तो कितना सलाइवा निकलना चाहिए, पूरा कंट्रोल में रहता है।
इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्निजिंग है ना, कंट्रोल होता है कि कैपा भी स्निजिंग करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ इनवॉलंटरी एक्शन है। किसके कंट्रोल में? ब्रेन के कंट्रोल में। स्निजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, यॉनिंग है ना, नींद आती है ना यॉनिंग, तो ये सब को कंट्रोल कौन करता है बेटा? मेडुल्ला ऑब्लंगाटा। इसीलिए हाइंड ब्रेन हमारा बहुत सोफिस्टिकेटेड आप बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, बंदा मर भी सकता है। इसलिए बोला जाता है कि बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनो। हेलमेट इसीलिए कंपलसरी है कि आदमी अगर ऐसे गिरा तो बच जाएगा, लेकिन अगर ऐसे गिर गया, हाइंड ब्रेन में चोट लगा, स्पॉट डेथ, स्पॉट डेथ। याद रखना हाइंड ब्रेन इतना वीक होता है। तो ये हो गया बेटा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का यूज। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस डायग्राम के बारे में कि इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में क्या, ठीक है। तो बेटा याद रखो ये हमारा डायग्राम है, इसको बनाने का ट्राई करना, आप कोशिश करना है ना। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही, कैसे बनाएं तो आप सीख लेना है ना। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपको बनाना है। बनाओगे तो आपको लेवल देखो कैसे करना। ऊपर है सेरेब्रम, ऊपर फोर ब्रेन है। सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट विच कंस्टिट्यूट 2/3 पार्ट, यानी कि 66% पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम, सेरेब्रम। तो क्या बोलोगे आप? सेरेब्रम। ब्रेन कंसिस्ट, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या बेटा? सेरेब्रम। क्या बोलिए? सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। उसके बाद ये क्या है? मिड ब्रेन। ये देखो ऐसा जो बनेगा मछली जैसा, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरेब्रम, मिड ब्रेन। ये आपको लेबल करने के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए ऐसा दे देगा और वहां पे बोलेगा लेबल करो। तो देखो ऊपर वाला सेरेब्रम, ये क्या है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये सेरेबेलम, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट सेरेबेलम, ऐसा 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 ऐसा, ये ट्री जैसा नहीं, ये जो ये है ये, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। देखो ना ऐसा 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 ऐसा, देखो बेलन, बेलन कुछ, सर बेलन तो ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा ये बेलन होता है ना, बेलन ऐसा, तो कुछ थोड़ा थोड़ा बेलन जैसा मिल तो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, तो आप बोलो सेरेबेलम। सेरेब्रम बड़ा पार्ट, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है पेड़ जैसा, इसको बोलते हैं आर्बोबीटे। क्या बोलते हैं बेटा? आर्बोबीटे, आर्बोबीटे है ना, नहीं जानना है लेकिन जस्ट बता दिया मैंने, आर्बोबीटे। और भी यहाँ पे होता है, एक होता है पीनियल बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोजम, तो वो सब आपको नहीं जानना है, जाने दीजिए है ना, जस्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे आर्बोबीटे होता है, कॉर्पस कैलोजम होता है, सारी चीज़ें होती है। बाय द वे मैंने इसको पहले से बनाया है, पहले से लेवल किया है ताकि टाइम बचे, है ना भाई, टाइम बचे, वरना इसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें। सेरेब्रम, याद होगा सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, याद हो गया था, क्या था, क्या था, क्या था। अब जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जो ऐसा निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या नीचे वाला पार्ट? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो ऊपर वाला पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, मेडुल्ला, बीच वाला मिड, 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 मेडुल्ला, मेडुल्ला, मेडुल्ला। और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये एकदम फूला हुआ पार्ट है ना, फूला हुआ क्या होता है? हमारा गाल फूला हुआ होता है। गाल पे क्या लगाते हैं? पॉन्ड्स पाउडर, लेकिन लगे सर अब कहां से लाते हो इसमें, तो पॉन्स, पॉन्स, पॉन्स वैरोली, पॉन्स वैरोली, याद हो गया। देखो सेरेब्रम, बोलो मेरे साथ सेरेब्रम, बोलिए बेटा सेरेब्रम, याद हो गया सेरेब्रम। और ये मछली वाला जो दिख रहा है मछली जैसा, मिड ब्रेन, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, सेरेब्रम, मिड ब्रेन। और बेलन जैसा, सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और नीचे सबसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। बीच में मेडुल्ला, मेडुल्ला, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा, मेडुल्ला, मेडुल्ला। और उसके ऊपर जो फूला हुआ पार्ट है, पॉन्स, 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 याद रखो सिर्फ पॉन्स, मेडुल्ला, याद रहेगा, यस। उसके बाद ऐसा देखो, ऐसा ग्लैंड दिखेगा आपको, थैली जैसा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। सर ये क्या होता है बेटा? सर ये क्या होता है? तो बेटा ये होता है मास्टर ग्लैंड, बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। ये हमारे बॉडी के अंदर सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, समझो सारी थैली को, जहां जहां से एक केमिकल सिक्रेट जिसका नाम है हार्मोन, है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कंट्रोल करता है ना। तो उस सब का मास्टर कौन है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो केमिकल कंट्रोल में इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, तो फिलहाल अभी ध्यान में रखो ये मास्टर कंट्रोल, मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस में। कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। चलो मेरे साथ बोलो सेरेब्रम, सेरेब्रम। इसके बाद मछली वाला मिड ब्रेन, बेलन, सेरेबेलम। नीचे स्पाइनल कॉर्ड, बोलिए बेटा नीचे स्पाइनल कॉर्ड। बीच में मेडुल्ला, और पाउडर वाला फूला हुआ पार्ट पॉन्स, पॉन्स। और जो आपको ऐसे लटका हुआ दिखाई देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला उसके ऊपर हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ?
तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो आप याद भी कर लेंगे। मैंने ट्राई किया जितना हो सकता था मुझसे आपको याद कराना, आई होप सो कि आपको ये याद हो गया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ गई होगी, ठीक है। ओके, ये बात तो हो गई बच्चा, लेकिन अब सवाल उठता है सर ये जो ब्रेन है हमारा इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमारे स्कल में रहता है, क्या इसके लिए कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं, कि मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। देखो पहला प्रोटेक्शन तो यही हो गया हमारा, क्या स्कल, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है स्कल, स्कल स्कल मतलब खोपड़ी, उसको क्रैनियम बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, क्रैनियम। आपको दिख रहा है यहां, मैंने यहां पे तीन लाइन बनाई है, 1 2 3 दिख रहा है, तीन लेयर होते हैं। ये मत सोचना ये ब्रेन अगर है ना, ये ब्रेन है मान लो और ये इसकी स्कल है, खोपड़ी है, तो बच्चा यहां पे तीन तीन लेयर होते हैं। सिंपल सी बात है, ब्रेन हमारा बोनी बॉक्स है, हड्डी है, तो उस हड्डी में अगर लगेगा बार बार ब्रेन तो वैसे ही उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या फायदा हुआ उस हड्डी के अंदर रख के, तो बेटा उस हड्डी और ब्रेन के बीच में कोई स्पॉन्जी टाइप होना चाहिए, है ना, हमारा जो तकिया होता है पीलो वैसा कुछ होना चाहिए। तो एक गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर है, गुब्बारा समझो आप, और उस गुब्बारे के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या नाम है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या बेटा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या नाम है उसका, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये समझो कि गुब्बारा है, गुब्बारा रहेगा तो क्या होगा बेटा, उससे उसको आराम होगा, मतलब हड्डी रहेगी तो उसको तकलीफ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बलून जैसा आप समझ लो कि तीन लेयर है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अभी सुनो, जो हमारा ब्रेन होता है ना ब्रेन, उस ब्रेन में जगह जगह पे खाली जगह होती है, कैविटी, जगह जगह पे खाली जगह होती है, कैविटी, जैसे देखो यहाँ पे जैसे लाल 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 ला, मैंने दिखाया है ना, लाल लाल ये कैविटी है, यानी कि खाली जगह। उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं बेटा खाली जगह को, वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं केनाल, उसको बोलते हैं केनाल, केनाल, ठीक है, स्पाइनल केनाल, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में जो खाली जगह होती है। देखो ना, ये मान लो यहाँ पे ये स्पाइनल बोन है, हड्डी है, और ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो देखो यहाँ पे खाली 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 जगह, तो जहां जहां पे खाली खाली जगह है वहां वहां पे क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ भरा रहता है, जिससे क्या होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब समझो कि ये ब्रेन और ये स्कल, इनके बीच में बलून रखा है, उस बलून के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो आराम से एकदम आप ऐसे करो वैसे करो कैसे भी करो एकदम आराम से शॉक एब्जॉर्बर है, जैसे हमारे गाड़ियों में होता है स्प्रिंग जैसा, अगर हम किसी गड्ढे में आते हैं तो आराम से उनको कुछ नहीं होता, आराम से वो स्प्रिंग दबता है फिर उठ जाता है, तो वैसे ही शॉक एब्जॉर्बर, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, याद रखना ये फ्लूइड जो है ना एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। और यहां पे जो तीन लेयर होती है ना, देखो इस तरीके से होती है, ये ब्रेन है ना, यहां पे ऐसा तीन लेयर होता है, तो बेटा यहां पे होता है मान लो ये हमारा स्कल है, ये स्कल है, स्कल है ना, स्कल मतलब हड्डी है, ये हड्डी, तो यहां पे होता है बेटा एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर ये नाम है उसका, किसका, लेयर्स का, और उसके नीचे होता है बेटा ड्यूरा मैटर, और उसके नीचे होता है पिया मैटर, ये सब नाम है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा बोल रहा हूं, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, ये तीन होते हैं, इन तीनों को साथ में हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है। तो दिस ब्रेन इज कवर्ड बाय बोनी बॉक्स विच इज नोन एज स्कल और क्रैनियम, एंड इन क्रैनियम देर इज थ्री लेयर्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज मेनिंजेस, एंड दे आर एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, एंड देर इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दे आर फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एंड इस तरह हमारी ब्रेन की हिफाजत होती है। तो कैसे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड, समझ में आया, तो ये बात होगी बेटा, और उसी तरह यहां पे भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, और यहां भी प्रोटेक्टिव लेयर है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी सेफ होता है। तो ये हो गया पूरा पूरा हमारा ब्रेन खत्म, और हमने भी कंप्लीट किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरीफेरल का मतलब ही होता है कि मतलब भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो भी नर्व्स बचा वो क्या हो गया तुम्हारा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये तुम्हारा ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको छोड़ के जो भी चाहे वो हाथ
हाथ में गया हो या फिर वो मान लो पैर में गया हो, कहीं भी हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में जो भी जाल है, किसका किसका, नर्वस सिस्टम का, वो पूरा क्या हो गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा दो टाइप आप बोल सकते हो, दो तरह के नर्व्स होते हैं यहाँ पे। एक जो होता है हमारा वो होता है क्रैनियल नर्व्स। क्या? क्रैनियल नर्व्स। अभी क्रैनियल जो है ना टर्म, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेन के लिए। क्रैनियम देखो हमारे बोनी बॉक्स, हमारा स्केल, स्कल, स्केल बोल रहा हूँ, स्कल खोपड़ी, क्रैनियम। तो क्रैनियल नर्व्स का मतलब क्या, मतलब ऐसा नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से निकले, मतलब ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलेंगे बच्चा? स्पाइनल नर्व्स। ये होते हैं 12 pairs। कितने होते हैं? 12 pairs। सो देयर आर 12 pairs ऑफ क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स समझ में आया, जो डायरेक्ट कहां से ओरिजिनेट हो, कहां से निकले, हमारे ब्रेन से डायरेक्टली वो निकलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रैनियल नर्व्स। दूसरा स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, नाम ही है स्पाइनल, मतलब कहां से निकलेगा, द नर्व्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल नर्व्स। यानी कि ओरिजिनेट फ्रॉम, लिख दो यहां पे ये, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन और ये ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होते हैं बेटा, ये 31 pairs होते हैं, 31 जोड़े होते हैं, 31 जोड़े। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि देयर आर हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स, है ना, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपको लिखना रहेगा 31 pairs। इसके अलावा बच्चों तीसरा हमारा है विसेरल नर्व्स, विसेरल नर्व्स। अब ये क्या होता है सर, देखो मैंने क्या बोला कि जो ब्रेन से आए उसको बोलेंगे हम लोग क्रैनियल नर्व्स। ब्रेन से बॉडी के किसी भी पार्ट तक जा सकता है, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी किसी पार्ट तक जाएगा, न्यूरॉन, है ना। और इसमें भी दो दो रहेंगे, इसमें एक सेंसरी न्यूरॉन रहेगा, सेंसरी न्यूरॉन जो बॉडी के ऑर्गन से सेंस करेगा, जैसे मान लो हमारे आँख में, है ना, हमारे आँख में क्या है, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जैसे लाइट कम ज़्यादा आ रहा है तो वो उसको ले रहा है बराबर, और वो मैसेज कहाँ भेज रहा है, ब्रेन को भेज रहा है, तो डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड है सेंसरी न्यूरॉन। फिर वहाँ से जो मैसेज लेके आएगा आँख के पास, वो कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन। तो इसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन है, किसमें, स्पाइन क्रैनियल नर्व्स में। तो ये 12 जोड़े होते हैं। उस तरह स्पाइनल नर्व्स है ना, इसमें भी सेंसरी न्यूरॉन, जैसे मान लो मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्स आर्क में कि अगर आप हाथ रखोगे और जल गया, है ना, जल गया अगर आपका हाथ, जल गया बोल रहा हूँ, जैसे ही आप गर्म चीज़ पे हाथ रखोगे, गर्म प्लेट पे हाथ रखोगे, सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करके कहाँ भेज देगा, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके मसल्स को मूव कराएगा और आपका हाथ हट जाएगा। तो विसेरल नर्व्स का क्या काम होता है, तो विसेरल नर्व्स ना मोस्टली, ये तो स्पाइनल कॉर्ड से, ये भी मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड से ही ओरिजिनेट होते हैं, और ये जो है ना मेनली इंटरनल, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन तक जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गन के जो अंदर में जो भी कंट्रोल वगैरह करना है, तो वहां पे कौन से नर्व्स होते हैं, विसेरल नर्व, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में मतलब वहां के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है, जो पूरे पेरीफेरा में, ठीक। अब बात करते हैं बेटा हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो ऑटो मतलब सेल्फ और नोमस मतलब गवर्निंग, मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर ले, जो ऑटोमेटिक होती है, इसलिए नाम ही है ऑटोनोमस। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ठीक, या बोलो हार्ट बीट, बोल लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हार्ट बीट, है ना, जो हार्ट का बीट है उसको। इसके अलावा स्वेटिंग जो हो रही है, देखो हमको स्वेटिंग हो रही है ना। इसके अलावा डाइजेशन, डाइजेशन, तो जो भी ये एक्टिविटीज़ हो रही है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है। ऐसा क्या तुम्हारे मन में जब मर्जी करे तब पसीना लाओ, जब मर्जी करे तब मत लाओ, अपने आप गर्मी लगेगी, अपने आप पसीना आएगा, है ना, अपने आप हार्ट बीट हो रहा है आपको, सिंपल सी बात है, दौड़ोगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, वो अपने आप होगा, उस पर कोई तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जो क्या करे,
इन जो इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी में, जैसे हार्ट के अंदर हार्ट बीट होगा, है ना, स्वेट ग्लैंड में स्वेटिंग होगी, है ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है, स्टमक डाइजेशन होगा, तो इस पे उसकी इसकी इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी पे कंट्रोल हो जिसका, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है? एक चीज़ और जान लो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक, ठीक है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक। अब ये क्या होता है, देखो सिंपैथेटिक जो होता है ना, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने मुझे कुछ बोला, मैं बोला, मैं आप पे तुरंत भड़क गया, मतलब सामने वाले ने आपको मारा या चिल्लाया तो आप तुरंत भड़क गए, क्यों मैं क्यों मारा मेरे को, क्या को चिल्लाया, ऐसा बोलते हैं ना अपन गुस्से में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक, है ना, अचानक से हम क्या कुछ ना गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर कुछ देर के बाद हम खुद शांत हो जाते हैं तो बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम है जो क्या करता है, हमको गुस्सा दिलाता है तुरंत, हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है, अब हमारे एनर्जी को तुरंत अरोज कर देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत हमको क्या करता है, मेंटेन करता है, हमको काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको डॉग आपको दौड़ा रहा है, कुत्ता दौड़ा रहा है, भागोगे बहुत जोर से, है ना, तो ये जो है डर पैदा होना या भागना, डर जो होगा तो ये हो गया सिंपैथेटिक, आपको डर पैदा होगा, या कोई भूत वाली मूवी देख ली रात में तो डर जाओगे, है ना, हर जगह आपको भूत नजर आएगी, है कि नहीं, और पैरासिंपैथेटिक फिर अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बॉडी देखो ये सब अपने आप कर रही है, अपने आप क्या हुआ, आपको डर लगा, अपने आप क्या होगा, फिर आप ठीक हो गए, है ना, तो अपने आप डर लगेगा, अपने आप गुस्सा आएगा, अपने आप भाग रहे हो आप, तो ये सब क्या होगा, सिंपैथेटिक, और अपने आप फिर आप रुक गए, रेस्ट पोजीशन पे हो, काम पोजीशन पे हो, मेंटेन कर रहे हो, उस डर को ठीक कर रहे हो धीरे धीरे अपने आप, तो उसको बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक, और ये बॉडी अपने आप करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, तो छोड़ो नर्वस कंट्रोल ही पूरा खत्म हो गया, अब हमारा एनिमल में बचा सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंट्रोल, उसके बाद हमारा एनिमल का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।